Hello everyone, myself Ashish Sarmal, currently a first year MBBS student at Army College of Medical Sciences, New Delhi. And today in this video, I will tell you about the important documents required during the registration process at IBU. So let's start the video. First, we will categorize the students in two parts. पहले जिनके father अभी भी army में serving personnel हैं और second जिनके father retired हो चुके हैं. So the documents required for the ward of army personnel who are serving in army are first their dependent card and second their ID card of their father. जो dependent card होता है वो हमारा खुद का भी होता है, ऐसे ward of army personnel हमारा भी डिपेंडेंट कार्ड होता है. तो डिपेंडेंट कार्ड आपका और जो आईडी कार्ड होता है वो आपके फादर का, वही सर्विंग सर्टिफिकेट भी होता है. तो या सर्विंग सर्टिफिकेट या फिर आईडी कार्ड वो आपके फादर का होगा और डिपेंडेंट कार्ड आपका होगा. उसके बाद आपको चाहिए होता है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने अभी तक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, क्योंकि वो मैंडेटरी है, उसके बिना एडमिशन नहीं होगा. रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इज मस्ट. और इसके बाद जो डिफरेंट अपेंडिक्सेस हैं वो लगते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स 9A एंड अपेंडिक्स 9C. जो अपेंडिक्स 9A होता है उसमें 4 जो कॉलम्स होते हैं जिसमें से आपको अपने हिसाब से जो आपका है वो फिल करना होता है, बाकी चारों डिस्कार्ड कर देने होते हैं. और जो अपेंडिक्स 9C है वो है AMC के बच्चों के लिए, जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको फिल करना होता है अपेंडिक्स 9C. और अपेंडिक्स 10A वो तो मैंडेटरी है, वो हर किसी को फिल करना रहता है, क्योंकि वो होता है एडमिशन अंडरटेकिंग बाय रिजर्व कैटेगरीज. सो जो जो डिफेंस कैटेगरी आती है वो भी रिजर्व कैटेगरीज में ही है IPU के अंदर. सो आपको अपेंडिक्स 10A भी फिल करना होता है. नाउ सेकंड कैटेगरी, जिनके फादर रिटायर्ड हो चुके हैं आर्मी से, सो उनको भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे कि उनका फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो होती है उनकी सर्विस बुक, पेंशन बुक और डिस्चार्ज बुक. इन तीनों में से जो भी होती है वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे फादर अभी सर्विंग में है. तो आपको इन तीनों में से एक या ये तीनों अगर एक ही होती है तो ये रिक्वायर्ड रहती है. सेकंड, आई कार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन का भी जो आई कार्ड रहता है वो चाहिए होगा. या फिर ECHS कार्ड और PPO बुक. यहाँ पे PPO बुक जो होती है वो मैंडेटरी है, सो वो आपको चाहिए. बाकी जो अपेंडिक्स हैं वो सारे सेम हैं, 9A और अपेंडिक्स 10, यहाँ पे भी मस्ट रहता है. इसके बाद आते हैं कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो आपको पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में चाहिए होता है. तो इनमें फर्स्ट आता है आपकी फ़ोटोज, वो तो चाहिए, और आपका सिग्नेचर्स. सेकंड है आपकी 10th, 11th और 12th की मार्कशीट. अब बहुत सारे कहते हैं कि हमारे पास 11th की मार्कशीट नहीं है, सो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. बट अगर आपके पास है या फिर आपका स्कूल प्रोवाइड कर सकता है तो 11th की मार्कशीट भी आप साथ में लगा देना, 10th, 11th, 12th की मार्कशीट. और उसके बाद आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट. कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट है, वो विद इन द 6 months होना चाहिए, जहाँ से आप स्कूल से या फिर कुछ होते हैं जो कॉलेज से भी आते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए. सो वहाँ से भी विद इन द 6 months ऑफ टाइम स्पेन के, आप जो टाइम स्पेन होता है उसके अंदर का आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो चाहिए. और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट है, ये तो चाहिए ही चाहिए. और उसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप कम सर्टिफिकेट. ये वही सर्टिफिकेट होता है जो आपका फादर के रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होता है. एक सर्विंग सर्टिफिकेट भी होता है आपके फादर का, तो आजकल क्या होता है साथ में बनते हैं रिलेशनशिप कम सर्विंग सर्टिफिकेट. तो आप अपने फादर को कहिए कि आपका वो बनवा दें, सो वो भी चाहिए होता है. उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट. अगर आप जनरल से हो, जैसे कि मैं जनरल से हूँ, तो हमको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है. लेकिन अगर आप OBC या फिर SC ST हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना यहाँ पे अप्लाई करना होता है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. और उसके बाद आती है जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, वो बैंक डिटेल्स और उसके साथ एक कैंसिल चेक. आपको एक कैंसिल चेक भी अपलोड करना होता है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. अब आप कहोगे कि जो मैंने अपेंडिक्स बताए आपको, 9A, 9C हो गए, अपेंडिक्स 10 हो गया, और जो डिफरेंट अपेंडिक्स रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो मिलेंगे कहाँ से? सो या तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो एडमिशन ब्राउचर ऑफ IPU और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. उसके अंदर आपको सारे के सारे अपेंडिक्स दिए हुए हैं. या फिर मैं अपने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. मैंने वहाँ पर अपेंडिक्स ब्राउचर को
अपलोड कर दिया है तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं कि जो IPO के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो नीट से पहले भी रिलीज़ होते हैं और नीट के बाद भी रिलीज़ होते हैं। तो अगर कोई नीट से पहले IPO का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने IPO का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अब मैं CMS में एडमिशन नहीं ले पाऊँगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप नीट के बाद भी IPO में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि नीट के बाद आप IPO में रजिस्ट्रेशन करें, उससे पहले आपका खुद फोकस अभी नीट पे होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे नीट पास आ रहा है वैसे ही बहुत सारी एंजाइटी होती है। तो आप अपना फुल फोकस जो है वो नीट पे रखें, ना कि ये IPO की रजिस्ट्रेशन पे। वो आपको नीट के बाद भी मौका मिलेगा आराम से। सो अभी के लिए इतना।